दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 125 सीसी के मार्केट में हर कंपनी इंडिया में कुछ ना कुछ अपडेट लेके आती रहती है। जैसे अभी रिसेंटली हीरो ने अपनी सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक लॉन्च करी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। तो इंडिया में 125 सीसी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी बूम पे है और हर किसी की पसंद है 125 सीसी का सेगमेंट। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको इसमें बेहतर माइलेज, बेहतर पावर, बेहतर लुक्स, सब कुछ एक एक ही बाइक में देखने को मिल जाता है और एक बजट में बाइक आ जाती है। क्योंकि इससे नीचे फिर 100 सीसी के सेगमेंट, 102 सीसी के सेगमेंट में वो पावर नहीं मिल पाती, और इससे ऊपर फिर आप 200 सीसी के सेगमेंट, 160 सीसी के सेगमेंट में जाते हो, तो वो थोड़ा, आजकल आपको पता है टू व्हीलर मार्केट के प्राइस कितने हाई है, तो वो फिर प्राइस जो है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। तो 125 सीसी का जो सेगमेंट है वो परफेक्ट है हर किसी के लिए। तो ऐसे ही एक अपडेट लेके आने वाला है बजाज अपनी पल्सर की 125 में। जो आपकी पल्सर की NS125 आती है उसको इंडिया से हटा दिया जाएगा पूरी तरह, और उसके बदले में लॉन्च करी जाएगी बजाज की पल्सर N125। क्योंकि ऑलरेडी जो 160 सीसी का सेगमेंट है, 250 सीसी का सेगमेंट है, 150 सीसी का सेगमेंट है, उनमें सब में चेंजेस हो चुके हैं पल्सर सीरीज में। रिसेंटली बजाज ने P150 लॉन्च करी, उससे पहले N160 लॉन्च करी थी, उससे पहले N250 लॉन्च करी थी। तो जो आज का वीडियो में उसमें आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपकमिंग जो बजाज की पल्सर 125 है उसमें आपको मिलने वाला है बजाज की पल्सर N125। तो भाई वीडियो पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बाइक में आपको क्या सब कुछ मिलने वाला है, तो कंप्लीट लुक्स और डिज़ाइन जो है कंप्लीट चेंज कर दिए जाएंगे, और जो आपकी N160 और N250 ऑलरेडी आ रही है उसी प्लेटफॉर्म बेस पे बनाया जाएगा पल्सर की N125। टेस्टिंग इसकी ऑलरेडी इंडिया में चल रही है और स्पाइट फोटोज़ वीडियोज़ भी लीक हुए हैं काफ़ी पहले से, काफ़ी टाइम से टेस्टिंग चल रही है। बस इसकी जो लॉन्चिंग है वो बजाज ने थोड़ी डीले कर दी है। कंप्लीट यहाँ पे आपको लुक जो है उसी से इंस्पायर्ड मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलने वाला है जिसका विज़न, नाइट विज़न काफ़ी अच्छा होने वाला है। इंडिकेटर्स आपको बल्ब टाइप भी देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। 12 लीटर का बड़ा टैंक देखने को मिलने वाला है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 45 से 48 के आसपास ये बाइक जो है माइलेज निकाल देगी। यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो जो अभी ऑलरेडी जिस प्लेटफॉर्म पे, इंजन प्लेटफॉर्म पे पल्सर सीरीज बन रही है 125, 124 सीसी का सिंगल एयर कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलेगा 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ। 12 PS की पावर रहने वाली है और 11 NM का टॉर्क रहने वाला है। तो इस सेगमेंट में, इस बजट में सबसे ज़्यादा पावर आपको इसी बाइक से देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो है आपको, मैं बात करूँ टायर साइज वगैरह की, तो फ्रंट में आपको 80-117 का और रियर में आपको 190-17 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है आपको डुअल डिस्क के साथ ये बाइक देखने को मिलेगी। और जो सबसे बड़ा बदलाव इस बाइक में होने वाला है वो होने वाला है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड। आपको सिंगल चैनल ABS इस बाइक में देखने को मिलेगा और ये फर्स्ट इन द सेगमेंट होगा कि आपको 125 सीसी के सेगमेंट में अभी तक किसी भी बाइक में नहीं है आपके ABS। तो सबसे पहले बजाज पल्सर N125 में लॉन्च करेगा ABS, उसके बाद उसकी कंपटीटर जो बाइक है रेडर वगैरह वो भी ABS के साथ अपने मॉडल लॉन्च कर देंगे। तो ये सब कुछ इस बाइक में रहने वाला है, बाकी सब कुछ पुराने ही रहेगा। N160 का मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा, टेल लैंप वगैरह सब कुछ आपको N160 वाला ही देखने को मिलेगा। कंप्लीट बाइक N160 से ही इंस्पायर होने वाली है। बस यहाँ पे आपको जो है थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह में चेंज देखने को मिलेंगे, टायर साइज वगैरह सब सेम रहने वाला है। और एक बड़ा अपडेट वो है इसमें आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। और इतने सारे अपडेट्स के बाद इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 1,35,000 के आसपास इंडिया में चली जाएगी। जो ऑन रोड प्राइस है 1,30,000 से 1,35,000 के बीच में चली जाएगी। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, 2 से 3 महीने में इंडियन मार्केट में ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी बजाज की तरफ से। तो बस यही था अपना एक वीडियो, मैंने सोचा आप लोगों तक अपडेट पहुँचा देते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।